अब मम्मी की टर्न होगी, अब मम्मी बोलते अब तू चढ़ बोलो पेड़ में। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक छोटा सा कंपोस्ट बोल सकते हैं, कंपोस्ट पिट है यहाँ पे। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जो केंचुआ क्या करता है कि आपकी मिट्टी को खाने का काम करते हैं, तभी तो इसको अर्थ वॉर्म्स बोलते हैं। एक और मिल गया मुझे, क्योंकि यहाँ पर ब्लू लाइट्स थी, अब हमने कर दिए यहाँ पर येलो लाइट्स। और ये हमारा झूमर भी खराब हो चुका था। दिशा ने शोभला सभी न प्यारा ऐसा बोला हिमाचल मारा। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़ में प्रियंका राज ने दी नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों मतलब मुझे लग रहा है कि अप्रॉक्स 2 मंथ बाद हम अपने गांव वाले घर में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने गांव वाले घर में आ गए थे हम पिछले कल। तो आज बस सुबह हम उठे, अपने जो डेली रूटीन होती वो की, तो बस हमारे घर में जो अपने कुछ अमरूद के पेड़ थे, तो आज मम्मी बोलते कि हम वो गुआवा हार्वेस्ट करेंगे, तो बस वहीं जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए बना ही देती हूँ, अपने खेतों के छोटे छोटे प्यारे प्यारे अमरूद आपको भी दिखा देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के ब्लॉग शुरू करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब यहाँ पर गए हैं, यहाँ पर अभी मम्मी और मामा जी गए थे घर के बैक साइड में। ये देखिए सामने आपको दिख रहे होंगे ये सारे, ये है लीची के बागीचे सारे। जब सीज़न था लीची का, मम्मी मुझे बोलते रहे कि ब्लॉग बना ले ब्लॉग बना ले, पर मैंने बनाया नहीं। मैंने सोचा अगले दिन में अगला करते करते कल करते करते वो कल कभी आया ही नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि अमरूद के लिए भी वो कल कभी आए ना। तो यहाँ पर अमरूद तोड़ने हैं, यहाँ पर मम्मी तो देखो साथ में खा भी रहे, मम्मी बोल रहे वाला टेस्टी है। हेलो मम्मी जी। हेलो यूट्यूब फैमिली को बोलो हेलो, कैसे हो? हेलो कैसे हो, आओ अमरूद खा लो। A few minutes later. और बस ये देखिए यहाँ पर मम्मी पूरा सर्च कर रहे हैं कि बोलो कौन से अमरूद तोड़ने। वैसे ये छोटे छोटे साइज है दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये थोड़ा सा नजदीक से, और परे वाले पेड़ में तो पक भी गए। ये देखिए ये अभी पूरे कच्चे हैं ये वाले अमरूद, और उस वाले पेड़ में पक्के हैं। देखिए मम्मी दिखा रहे हैं ये वाला पक गया मामा, ये भी खाने वाला ही है। आप तो मेरे को लग रहा तोड़ कम रहे हो खा ज्यादा रहे हो। मम्मी ने मुझे भी टेस्ट करने के लिए दे दिया अमरूद, अब मैं भी ये टेस्ट करके देखती हूँ कि यहाँ के अमरूद कैसे हैं। मम्मी ये तो बहुत मीठे है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, मतलब जिसे बोलते हैं मजा आ गया खा के, मजा आ गया। एक और मिल गया मुझे गांव में आके, मम्मी भी पूरे अपने देसी उसमें आ गए, मम्मी बचपन में आ चुके। मम्मी जी यहाँ देखो, यहाँ से पूरे पेड़ पे चढ़ चुके, अब मुझे भी चढ़ना चाहिए, वैसे मैं भी चढ़ूंगी, मैं भी कोशिश करूंगी इस पे चढ़ने की। ये देखिए मम्मी पूरे मेहनत से अमरूद तोड़ रहे हैं। ए मम्मी बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश, बस गिरना मत, ए गिरना मत। ओहो मम्मी तो ऐसा लग रहा है बाहुबली बन गया आज, बाहुबली। यस मम्मी जी सर्च कर रहे हैं कहाँ कहाँ से हमारे अमरूद पक चुके हैं, मम्मी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अमरूद खाने के लिए इकट्ठा कर सकूं। ओ भाई मम्मी इतने ऊपर है कि मुझसे कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा। ये देखिए ये मम्मी फेंक रहे ऊपर से, ये देखिए दोस्तों कितने पके हुए हैं ये, और मेन बात ये कि इनमें तो कीड़े भी नहीं लगे हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। पता चला मम्मी ने ऊपर से मेरे से बदला ले लिया अमरूद फेंक के। बस बस आराम से आ जाओ आराम से मम्मी जी आराम से। ये देखिए दोस्तों ये वाला जो अमरूद है ना, ये देखिए पूरा जो चिड़िया है उसने पूरा खा लिया है, मतलब इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये अमरूद कितना मीठे हैं, ये वाले अमरूद कितने मीठे हैं। इस वाले पेड़ से हमने जितना हो सका उतने तो हमने तोड़ दिए, अब हम जाएंगे वो उस परे वाला पेड़ जो ये देख रहा है ना दोस्तों आपको मेरी इस तरफ, अब इस वाले पेड़ में जाएंगे हम लोग। चलिए कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों गांव में आके, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारे पेड़ और ये सारे लीची, अगली बार क्या करूंगी मैं दोस्तों कि जब नेक्स्ट सीजन आएगा ना उसमें पक्का मैं आप लोगों के लिए जब लीची लगेगी ना, जो लीची के बगीचे इनमें पूरा घूम के आपको लीची दिखाऊंगी। पर वही है कि टाइम होना चाहिए, ब्लॉगिंग तो चलती रहेगी साथ साथ में, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर सकती दोस्तों।
कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप मतलब डेली ब्लॉगिंग किया कीजिए, ब्लॉग डेली डाला कीजिए तो अच्छा लगता है, बट सॉरी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे कभी छुट्टी होती है या फिर कहीं मैं घूमने जाती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मेरी जो छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आप सबको एंटरटेन कर पाऊँ। ओह कितना एक सांस में बोल दिया। अब ये होते हैं डेली ब्लॉगिंग ना करने के नुकसान, क्योंकि बहुत दिनों बाद बोलने लग जाओ तो थोड़ी सी थकान भी लगती है, ऐसा लगता है कि मेरा मुंह सूख गया है। जो हमारा यहाँ का कल्चर है दोस्तों, यहाँ का जो अलग अलग वैरायटी है, इतनी सारी चीजें देख के ना मुझे एक अपना जो पहाड़ी गाना है वो गाना याद आ रहा है। दिशा ने शोभला सभी न प्यारा ऐसा बोला हिमाचल मारा ओ, दिशा ने शोभला सभी न प्यारा ऐसा बोला हिमाचल मारा ओ। मम्मी बोलेंगे गाना गाने बैठ गई है। चलिए दोस्तों साथ साथ में काम के साथ थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, क्या बोलते हैं? ये वाला जो अमरूद का पेड़ है ना, इसमें सबसे ज्यादा मतलब फ्रूट्स उतने ज्यादा नहीं दिख रहे, पर जितने भी दिख रहे हैं वो पके हुए दिख रहे हैं। ये देखिए मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाती हूँ, ये और बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, काश आप लोग भी इसे टेस्ट कर पाते। मम्मी बोल रहे हैं कि देखो मैं चेक करती हूँ कि ये कितना पका है ये वाला अमरूद, दिखाओ वाला मम्मी जी। वाह ये तो बहुत ही, और इसमें कीड़े भी नहीं है। हाँ ये तो बहुत सुंदर है मम्मी जी, नहीं है, मम्मी तो हैरान होगी इसको देख के। मम्मी जी ये तो बिल्कुल वो वाइट है ना, ये वाली वैरायटी वाइट थी दोस्तों, और ये वाली है रेड, है ना। खाओ वाला और एक मुझे भी दो। कैसे हर कुछ है। हर कुछ ये देखिए दोस्तों गांव में आने के फायदे, मम्मी अब हम यही रहेंगे। वाओ इसमें कीड़े भी नहीं है दोस्तों, ये देखो बहुत ही टेस्टी। अब मम्मी की टर्न होगी, अब मम्मी बोलते अब तू चढ़ बोलो पेड़ में। मम्मी कैसे खड़े पर है देखो यहाँ पे डाली पकड़ के। और अब दोस्तों सच बताऊ बहुत टाइम बाद मैं ना इसे पेड़ों पे चढ़ रही हूँ। ओ भाई पर मुझे पके हुआ अमरूद का है ये भी है पका हुआ। अब ना मुझे बचपन वाले दिन याद आ रहे हैं, बचपन में हम ना ऐसे ही चढ़ते थे। मेरे को कहता है कि ये ना, हाँ लो मम्मी जी, मम्मी झोला फैला के। ओ भाई दोस्तों मैं फंस गई। हम आते हुए मैं गिर जाऊंगी। रुको 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 रुको, ये आई एम सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल हो गया। मम्मी जी कैच करो जल्दी जल्दी। ये तो चिड़िया ने खा लिया। अच्छा हो गया कि हमने मार्केट से अमरूद नहीं लिया। मम्मी ना थोड़े दिन पहले बोल रही थी अमरूद लेंगे अमरूद, और मम्मी का फेवरेट फ्रूट अमरूद है ना मम्मी जी। ओ भाई मजा आ रहा है, पर गिर ना जाओ भाई। मम्मी जी कैच। One hour later. तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर है हमारा अमरूद, तो हमने तोड़ दिए। अब मम्मी बोले अब दूसरा काम, आज का हमारा दूसरा काम क्या है मम्मी जी? खाद डालनी गमलों में। यस तो ये हमारी अपनी खाद है यहाँ पर, देखिए ये हमारा एक छोटा सा कंपोस्ट बोल सकते हैं, कंपोस्ट पिट है यहाँ पे। यहाँ पर हमारी खाद है, ये देखिए कितनी फाइन है ये, देखिए बिल्कुल। और इसमें ये देखिए दोस्तों, ये देखिए नेचुरल खाद का आपका, इसमें देखिए आपको ये देख रहे होंगे आपको अर्थ वॉर्म्स, ये देखिए आजकल अर्थ वॉर्म्स भी देखने को नहीं मिलते। ये क्या करते हैं, जो ये अर्थ वॉर्म्स होते हैं ना दोस्तों, यही हमारी जमीन को भुरभुरा करने का काम करते हैं, मतलब जिससे हमारी जो मिट्टी उसमें प्रॉपर एयरेशन हो सके, जिससे जो मिट्टी हवा और पानी दोनों का मिश्रण हमारी मिट्टी में बन सके। ये हमारे नेचुरल ट्रैक्टर है जो जमीन को जोतने का काम करते हैं। तो ये देखिए इसमें बहुत सारे केंचुए हैं मम्मी जी, हमारे गमले तो अब खिल उठेंगे। और साथ में ये यहाँ पे हमारी थोड़ी सी लकड़ी भी है यहाँ पे, सर्दियों में हम इसमें चूल्हा जलाएंगे। बस अब हम खाद भरते हैं दोस्तों, थोड़ा सा फिर करते हैं बात। बस जी अब हम चल पड़े, अभी हमने यहाँ पर अपना ये वाला काम कर लिया, तो अब मम्मी बोल रही कि अब थोड़ा लंच टाइम भी हो गया, तो अभी हम लंच करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा जो छुटर पुटर काम रह गया होगा वो कर लेंगे। हम अपनी छुट्टी का पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ जी पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है छुट्टी का, हम अपनी छुट्टी बर्बाद नहीं होने देंगे आज। और ये कहाँ गया, छुप
मिट्टी पूरी यूटिलाइज होनी चाहिए। ओ बहुत बड़ा हो गया। ओ भाई कितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सच कहूँ तो दिन डेली ना ऑफिस जा जाके फिर ऐसा लगता है कि एक फैमिली टाइम होना चाहिए, तो आज हमें पूरा फैमिली टाइम मिल गया। साथ में हम अपनी दूसरी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम अपना छुट्टी का। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर। Two hours later. बस अभी हम सारे पॉट्स वगैरह भरेंगे अपने, क्योंकि मम्मी बोलते हैं कि पहले पूरा काम कर लेते हैं फिर बोलो उसके बाद रेस्ट करेंगे फिर खाना खाएंगे हम फिर मजे से सोएंगे सारा काम वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें बहुत वो भी है दोस्तों, अर्थ वॉर्म्स भी है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ वॉर्म्स के बेनिफिट्स, ये हमारी केंचुआ खाद है, इसमें बहुत सारे है छोटे छोटे, ये खाद बहुत ही अच्छी है इसकी देखिए। और जो ये इतनी बिल्कुल भुरभुरी हुई है ना दोस्तों, ये जो खाद है ये सिर्फ मेन मतलब केंचुए की वजह से होती है। जो केंचुआ क्या करता है कि आपकी मिट्टी को खाने का काम करते हैं, तभी तो इसको अर्थ वॉर्म्स बोलते हैं हम, और ये आपकी मिट्टी को भुरभुरा करता है। बट आजकल हम क्या करते हैं कि यूरिया 12, 32, 16 जो भी रासायनिक खाद डाल के अपनी मिट्टी को धीरे धीरे बंजर कर रहे हैं, और जो ये केंचुए वगैरह ये मर रहे हैं। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा का जल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा का जल लगा, तीसरा नजरे निहाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सूरत पे मोहना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। मजा आ गया। बोलते हैं ना काम करते करते भगवान का नाम लेते लेते काम का पता ही नहीं चलता है। अभी बाहर से आगे हम अंदर, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने ना ये थोड़ा सा रेनोवेट कराया था ये वाली लाइट्स। पहले यहाँ पर जितने मेरा पुराना ब्लॉग्स देखे होंगे उसमें देखा होगा कि यहाँ पर ब्लू लाइट्स थी, अब हमने कर दिए यहाँ पर येलो लाइट्स। और ये हमारा झूमर भी खराब हो चुका था, अब बस हमने इसे ठीक करा दिया है। तो बस ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तों ये लाइट्स, जब रात होती है ना तो बस अंधेरे में सारा और सिर्फ ये लाइट्स चली हो ना तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये है हमारे पापा जी, ये मेरे पापा जी मतलब मेरे ससुर जी। और ये एक ये फोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है मम्मी और पापा की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मम्मी और पापा, देखो कितने छोटे लग रहे हैं दोनों, बहुत ही प्यारी फोटो। ये मुझे बहुत सबसे पूरे इस घर में सबसे अच्छी फोटो मुझे ये वाली लगती है। देखिए मम्मी कैसे लग रही है इसमें। तो अभी लंच में बना है आज माँ चने की दाल चावल, और ये बनी है माय फेवरेट कड़ी, क्योंकि कड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और साथ में है सैलेड। तो चलिए दोस्तों अभी खाना खाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये बनाऊंगी, बट ये सारा आइडिया मम्मी का ही था। मम्मी बोलते कि देख हम ये कर रहे हैं, तो आज छोटा सा YouTube फैमिली को भी दिखा देते हैं ना मम्मी जी। तो दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इफ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय। बट मम्मा बोल रही थी अब आज के बाद हम यहीं पे रहेंगे बोला गाँव वाले घर में, है ना मम्मी जी। बिल्कुल अब यही रहेंगे तो मतलब आपको यहाँ के ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।